22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या के साथ साथ पूरे देश में उत्साह देखा जा रहा है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, सभी जश्न मना रही है। भागलपुर में इसको लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। शहर के एक रेस्टोरेंट में भाजपा, लोजपा व अन्य संगठनों की 100 से अधिक महिलाएं एकत्रित हुई और सियाराम नाम की मेहंदी अपने हाथों पर लगाकर उत्साह जाहिर की। साथ ही पारंपरिक भजनों को गाते हुए उस पर झूमती रही। महिलाओं का कहना है कि बेसब्री से इस पल का इंतजार था। हम सब ने प्रभु राम व माता सीता के नाम की मेहंदी लगाई है। 22 जनवरी को रामलला आएंगे और इस अवसर पर जश्न ना हो ऐसा हो नहीं सकता। भागलपुर के टाउन हॉल के पुनर्निर्माण के बाद काफी समय तक वहां शुल्क का निर्धारण नहीं होने के कारण विभिन्न सांस्कृतिक सामाजिक संगठन के लोग वहां पर अपने कार्यक्रम करने के लिए टाउन हॉल को बुक नहीं कर पा रहे थे। वहां सिर्फ सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। वहीं कुछ दिन पूर्व टाउन हॉल का शुल्क निर्धारित कर दिया गया। शुल्क निर्धारित होने के बाद से ही टाउन हॉल के शुल्क को लेकर लोगों में बातें होने लगी। लोगों का मानना है कि टाउन हॉल का शुल्क काफी अधिक निर्धारित कर दिया गया है। 8 घंटे के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए शुल्क के लिए लग जाएंगे। इसी मुद्दे चर्चा के लिए भागलपुर की देवबाऊ धर्मशाला में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा का मुख्य विषय था टाउन हॉल की शुल्क निर्धारण पर चर्चा। साथ ही इस चर्चा में स्मार्ट सिटी की विभिन्न परियोजनाओं पर भी चर्चा करना इस कार्यक्रम का विषय था। इस कार्यक्रम में शहर के कई सारे सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के लोग पहुंचे और टाउन हॉल के शुल्क पर अपनी बातों को रखा। लगभग सभी लोगों का मानना है कि टाउन हॉल के लिए शुल्क जो निर्धारित किया गया है वो एक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था के पहुंच से बाहर है। प्राइवेट कंपनियां तो वहां आकर अपना कार्यक्रम शुल्क देकर करवा लेंगी क्योंकि लोगों के पास काफी बजट होता है, लेकिन भागलपुर के कला प्रेमी कलाकार जिनके लिए कुछ हजार जुटाना भी काफी मुश्किल होता है, उन लोगों के लिए इस टाउन हॉल का उपयोग करना काफी मुश्किल होगा। परिचर्चा के दौरान सभी लोगों ने संबंधित अथॉरिटी को यह सुझाव दिया कि टाउन हॉल के शुल्क पर पुनर्विचार किया जाए और उसका शुल्क ऐसा निर्धारित किया जाए जो सबों के पहुंच के भीतर हो, ताकि जिस उद्देश्य के लिए टाउन हॉल का निर्माण किया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। वहीं मौके पर उपस्थित भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि शहर के सभी सामाजिक संगठनों द्वारा लिए गए निर्णय कि भागलपुर स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड प्रबंधन द्वारा जब तक निर्धारित शुल्क जो 8 घंटे का 1,04,000 है व अन्य खर्च जैसे डीजल इत्यादि है वापस नहीं लिया जाता, तब तक किसी संगठन द्वारा कोई भी कार्यक्रम टाउन हॉल में नहीं किया जाएगा का स्वागत करते हुए जन जन की भावना को सरकार व उचित माध्यम तक पहुंचाने का काम उनके द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर शुल्क बढ़ोतरी का निर्णय वापस लेना पड़ेगा। परिचर्चा कार्यक्रम के दौरान पूर्व उपमहापौर व निगम पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर ने स्मार्ट सिटी परियोजना द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं जैसे टाउन हॉल, सैंडिस कंपाउंड, रिवर फ्रंट, हवाई अड्डा, भैरवा तालाब, स्मार्ट रोड, स्मार्ट स्कूल, ट्रैफिक लाइट, सीसीटीवी कैमरा, वेंडिंग जोन इत्यादि की जानकारी देते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जनता द्वारा ना तो कोई सुझाव लिया जाता है और न ही सुझाव मिलने पर कभी अमल किया जाता है। मनमाने तरीके से शुल्क निर्धारण कर जनता को सुविधा लेने से वंचित किया जा रहा है। टाउन हॉल का रेट पेपर के माध्यम से मुझे पता चला कि बहुत ज्यादा है। 8 घंटे का करीबन 1 से 1.5 लाख से 1.5 लाख तक बीच का कॉस्ट आता है। ये आम पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा। मैं बता देना चाहती हूँ कि जब टाउन हॉल बन गया तो एक्चुअली जो स्मार्ट सिटी का जितना भी प्रोजेक्ट है जो बना वो स्मार्ट सिटी कमेटी को हैंडओवर हुआ है और इस कमेटी में जो अध्यक्ष हैं वो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और जो उसके सेक्रेटरी हैं कमेटी के वो हमारे नगर आयुक्त साहब हैं जो MD हैं स्मार्ट सिटी के और उसकी एक मेंबर मैं भी हूँ, जिलाधिकारी महोदय हैं और SP साहब हैं। तो जो भी शुल्क का एक्चुअली शुल्क का निर्धारण तो बहुत पहले होना चाहिए था जब टाउन हॉल बन गया था, लेकिन ये शुल्क का निर्धारण हो नहीं सका। इसके लिए हमने नगर आयुक्त साहब को लेटर भी दिया कि आप एक मीटिंग करवाएं और इसका शुल्क निर्धारण कराएं, तो वो करवा नहीं पाए मीटिंग। फिर हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी एक लेटर दिया कि टाउन हॉल का शुल्क निर्धारण होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कमेटी द्वारा मुझे लेटर आया
कि इनका शुल्क निर्धारण होना चाहिए ताकि हम लोग इसमें कार्यक्रम कर सकें। तो शुल्क निर्धारण के लिए हमें लगता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने नगर आयुक्त साहब को, जो कि स्मार्ट सिटी के एमडी हैं, और जिलाधिकारी साहब को बोला होगा कि आप लोगों ने शुल्क निर्धारण इसका कीजिए, तो इन्होंने किया। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं भी एक मेंबर हूँ उस स्मार्ट सिटी कमेटी की, मुझे इसमें क्यों नहीं रखा गया? जब शुल्क निर्धारण हो रहा था तो मुझे भी एज ए जनप्रतिनिधि जो मैं अच्छा सुझाव दे सकती थी, क्योंकि हमारे शहर के जो भी कला प्रेमी हैं, जो इस कला से कला को अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो उनके पहुँच के बहुत बड़े हैं जो ये शुल्क निर्धारण हुआ है। तो इसी पे परचर्चा के लिए जो हमारे पास बहुत सारे संगठनों का लेटर आया कि मैडम आप इस पर चर्चा करें कि ये शुल्क बहुत ज़्यादा है, हम लोगों से ये हो नहीं सकेगा। और ये इतनी अच्छी टाउन हॉल बनने के बावजूद भी वो केवल प्रदर्शनी के लायक रह जाएगा और उसमें कोई कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। तो इसी पर हमने एक चर्चा बुलाई और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा अपना सुझाव दिया। उनका सुझाव लेकर मैं जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, जो पीएमओ हैं, उनके पास मैं उनके जो सुझाव हैं उनको लेके जाऊंगी। उनके सुझाव को मैं बिहार गवर्नमेंट तक, नगर विकास विभाग तक जाऊंगी, सेंट्रल नगर विकास विभाग और स्टेट नगर विकास विभाग दोनों तक ये मैसेज पहुंचाऊंगी। और स्मार्ट सिटी के द्वारा जो भी कार्य हो रहा है इसमें और क्या सुधार होना चाहिए और क्या क्या कार्य हुआ है जिसमें अनियमितता बढ़ती गई है, उन सबको सबका डिटेल लेकर के उनको दूंगी और जो भी इसमें सुधार हो पाएगा वो मैं करवाने का कोशिश करूंगी। देखिए केंद्र सरकार की बहुत अच्छी और बहुत ही सुंदरी अगर कुछ स्मार्ट सिटी की सौगात हमें मिली है और इसमें जो कार्य कराया जा रहा है उसमें एक कंपोनेंट टाउन हॉल का विकास था। टाउन हॉल जब बनकर तैयार हुआ तो यहाँ के सांस्कृतिक कर्मियों, यहाँ के रंग कर्मियों के लिए जो निःशुल्क या बहुत ही नॉमिनल शुल्क पर जो प्रोवाइड कराना चाहिए था प्रशासन को, उसके लिए यहाँ पर 8 घंटे का 1,04,000 शुल्क तय कर दिया गया है। उसी के तहत यहाँ पर कई संगठनों ने अपने विरोध प्रकट की, तो इस शुल्क वृद्धि को लेकर सबसे संवाद करने हेतु महापौर महोदया के द्वारा आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में हम सब लोग उपस्थित हुए, जिसमें शहर के सभी सामाजिक संगठनों के लोग और सभी निगमों के सम्मानित वार्डों के सम्मानित प्रतिनिधिगण उपस्थित हुए हैं। और इस मौके पर हम लोगों ने जोरदार तरीके से इसका शुल्क वृद्धि का विरोध किया है और हम लोग इस आशय का हम चाहेंगे कि महापौर महोदया सरकार को अवगत कराएं यहाँ की भावनाओं से और शुल्क वृद्धि स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड से। आज महापौर के अध्यक्षता में पूरे शहरवासियों का एक आयोजन था। इस आयोजन में भागलपुर के तमाम सामाजिक संगठन के लोग जुटे। सामाजिक संगठनों में सब यहाँ सारे सामाजिक संगठनों ने एक ही सुझाव यहाँ दिया कि आप टाउन हॉल जो शहरवासी साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधि के लिए जो शहरवासी आयोजन करें उन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। तो मांग हम लोगों ने रखी महापौर महोदया से, उन्होंने हम सबों को आश्वस्त किया है कि इसके लिए निःशुल्क आयोजन ये समुचित व्यवस्था करेंगे, सरकार से अपना पक्ष रखेंगे और शहरवासियों को अच्छे आयोजन के लिए, नॉन कॉमर्शियल आयोजन के लिए हम निःशुल्क मुहैया करेंगे। साथ ही साथ स्मार्ट सिटी के लिए जितना सारा काम है ये परियोजना में सीधा नागरिकों का संवाद हो, इस उद्देश्य से आज यह आयोजन यहाँ। आज का जो मुद्दा है, जो हम लोगों को बुलाया गया है कि भागलपुर में टाउन हॉल, जिसका कि अप्रत्याशित भाड़ा कर दिया गया, पहले जो टाउन हॉल था भागलपुर में उसका भाड़ा एक दिन का 25,000 रुपये था और हम नागरिक विकास समिति से भी जुड़े हुए हैं और ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, उसके मार्फत से हमने एक पत्र भी महापौर को कुछ दिन पहले 6 तारीख को दिया था और उसमें यही बात चर्चा हुई थी कि अभी 1,04,000 रुपये उन्होंने 8 घंटे का भाड़ा कर दिया है, जो कि किसी भी NGO के लिए सक्षम नहीं है कि वो दे सके, क्योंकि इसमें जो भी कार्यक्रम होते हैं वो होते हैं व्यावसायिक रूप से नहीं होते हैं, तो एक NGO इतना पैसा खर्च करने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए जब से ये बना है तब से इसमें कुछ लगता है मेरे को कार्यक्रम ये जो हुए सरकारीकरण के जो हुए सरकारी हुए हैं, प्राइवेट कोई भी आदमी इसको अभी तक नहीं ले पाया। और हम लोग एक कार्यक्रम भागलपुर महोत्सव करते थे नागरिक विकास समिति की तरफ से, तो वो कार्यक्रम हम लोग का इसी कारण से स्थगित इस साल हो गया, क्योंकि इतना भाड़ा था और हम लोगों ने DM को अप्रोच भी किया था
इस भाड़ा को कम किया जाए सर। अगर 25,000 पहले है तो उसमें कुछ वृद्धि करके हम लोग को दे दिया जाए, क्योंकि हम लोग 5 दिन का 5 दिवसीय कार्यक्रम करते हैं और भागलपुर के जितने बच्चे हैं सारे उसमें आते हैं और अपने कार्यकला को प्रस्तुत करते हैं। तो चूँकि भागलपुर का उससे आगे बढ़ता है भागलपुर सब छः सांस्कृतिक व्यवस्था में, लेकिन इस बारे में कोई DM ने भी कुछ अपनी बताया कि मेरे हाथ में ये नहीं है, इसमें कमेटी का काम है स्मार्ट सिटी के। मेयर साहिबा ने आज जोड़ने का एक प्रयास किया है, उस प्रयास में हम सफल रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में सामाजिक संगठन के लोग आज यहाँ आए थे, उन्होंने सब ने एक स्वर में यह जो नया नवनिर्मित टाउन हॉल बना है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह टाउन हॉल जो बना है, जब इसका टेंडर हुआ था टेंडर में साफ ये लिखा हुआ था कि 3 वर्षों तक जो कंपनी को बनाने के लिए निर्धारित की जाएगी 3 वर्षों तक उसी कंपनी को ही इसका मेंटेनेंस करना है। तो 3 वर्षों तक तो मेंटेनेंस चार्ज किसी से लेने का कोई आशय बनता ही नहीं है, और यदि आप चार्ज जो एक्स्ट्रा चार्ज है जो उसमें जनरेटर का शुल्क है, जो कुर्सी टेबल का आप चार्ज ले रहे हैं, वो चार्ज लेकर ही टाउन हॉल को जनता के लिए छोड़ना चाहिए, क्योंकि भागलपुर में कला संस्कृति के लिए भागलपुर जाना जाता है, वो कला संस्कृति के जो क्षेत्र में कार्य करने वाले यहाँ पर लोग हैं उनके लिए शुल्क निर्धारित नहीं होना चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं और जो सामाजिक संगठन यहाँ आए थे, हम सामाजिक संगठनों से भी अनुरोध करते हैं कि सभी सामाजिक संगठन अपने अपने लेटर पैड पर पत्र बनाकर नगर आयुक्त महोदय को, मेयर महोदया को, साथ ही संबंधित सरकार के विभाग को भी पत्राचार के माध्यम से इसकी जानकारी देंगे कि ऐसा जो हमने आज ये तय किया है मेयर महोदया की अध्यक्षता में, वो सारे तय विषय सभी सामाजिक संगठन के लोग अपने अपने लेटर पैड पर सरकार तक पहुँचाएंगे। उसके बाद जब हम सरकार की स्थिति को देखेंगे, सरकार इसमें क्या निर्णय ले रही है, उसके बाद हम यदि सामाजिक संगठनों को, सांस्कृतिक संगठनों को यहाँ पर शुल्क लेकर कार्यक्रम करने दिया जाएगा तो जिला प्रशासन को भी वहाँ कार्यक्रम करने के लिए भागलपुर की जनता रोकने वाली है। भागलपुर की जनता मेयर महोदया के साथ है, हम पार्षदों के साथ हैं, हम पार्षद को जनता ने चुनकर भेज टाउन हॉल जब बन रहा था बहुत खुशी हुई थी कि दिल्ली और पटना की तरह हमारे यहाँ भी एक टाउन हॉल बन रहा है, लेकिन बनने के बाद जब तैयार हुआ तो हमारी औकात नहीं कि हम उसके अंदर जो है अपना कोई कार्यक्रम कर सकें। हम आपके माध्यम से नगर निगम से और स्मार्ट सिटी के जो पदाधिकारी हैं हम उनसे अपील करना चाहेंगे, टाउन हॉल हमारा धरोहर है और जो भी संस्था सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या जिस तरह का भी कार्यक्रम हो निःशुल्क करती है तो उसको टाउन हॉल मिनिमम। अभी तो स्मार्ट सिटी के लिए यहाँ पे बात मुद्दा उठा हुआ है और टाउन हॉल को लेकर के यहाँ पे बात हो रही है, तो पहले जैसे यहाँ पे टाउन हॉल में प्रोग्राम होता था 25,000 रुपये लिया जाता था, और अभी जैसे कि हम लोगों यहाँ पे जानकारी हुई कि 1,25,000 रुपया यहाँ पे लिया जा रहा है टाउन हॉल में, मतलब पैसे के इसमें। तो रिक्वेस्ट है जिलाधिकारी से कि जैसे ये मुद्दा रखा गया है स्मार्ट सिटी को दिया गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों को स्मार्ट तरीके से लूटा जाए, और इसीलिए उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जो भी प्रोग्राम जैसे समाज से भी लोग करवाते हैं या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास बहुत कम पैसे होते हैं और वो प्रोग्राम कराना चाहते हैं तो उनको थोड़ा कम रेट में या फ्री में उनको सुविधा दिया जाए, और जैसे जनरेटर का तेल का पैसा है, बिजली बिल है, ये ले लिया जाए, लेकिन ये सुविधा आम लोगों के लिए, तो जो अगर अपना पर्सनल कराते हैं वो लोग से आप जो पैसा लेना चाहते हैं वो लीजिए। हमने सुझाव दिया जो ये टाउन हॉल का जो मसला है, जो टाउन हॉल का जो शुल्क है जो बढ़ा दिया गया है और जो समय है वो निर्धारित कर दिया है कि 4 घंटे में आपको कार्यक्रम करना है, तो कोई भी कार्यक्रम करने के लिए 5 से 6 घंटे चाहिए, और जो शुल्क रखा गया है वो शुल्क कहीं भी सही नहीं, कहीं किसी मायने से वो शुल्क सही नहीं, क्योंकि 11,000-21,000 हर एक जिले में रखा जाता है और यहाँ इतना ज़्यादा शुल्क रखना। आज मेयर साहिबा के द्वारा स्थानीय देवी और धर्मशाला में शहर के प्रमुख संस्थाओं की एक सभा संवाद के माध्यम से बुलाई गई थी, इसमें टाउन हॉल का जो वर्तमान में किराया निर्धारित किया गया है
वो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। और भागलपुर की कला संस्कृति को, संगीत को जीवित रखने के लिए ज़रूरी है कि टाउन हॉल निःशुल्क दिया जाए। कॉमर्शियल कार्यक्रमों के लिए कॉमर्शियल रेट होना चाहिए, बाकी कला और संस्कृति को जीवित रखने के लिए जो टाउन हॉल का जो चार्ज है ये कम होना चाहिए। ये अत्यधिक चार्ज है, जैसे पहले 25,000 रुपया था, ये चार्ज उससे अधिक नहीं होना चाहिए। जो पूर्व में टाउन हॉल का चार्ज था वही होना चाहिए। और स्मार्ट सिटी में जो खर्च हो रहा है इसकी जानकारी आम लोगों को भी होनी चाहिए। एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए जिसमें टाउन हॉल के बारे में और पूरी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पर जो खर्च हो रहा है उसकी जानकारी सभी लोगों को हो, और ये बिल्कुल सामने में आना चाहिए। अभी 1,00,000 से ऊपर शुल्क है और इनडायरेक्ट खर्चा अलग है, जैसे जनरेटर का शुल्क है, विद्युत शुल्क है, लगभग 2,00,000 के करीब बैठ जाएगा। जो कोई भी जो भी एनजीओज है जो निःशुल्क कार्यक्रम करते हैं कोई भी नहीं कर सकेगा। कॉमर्शियल लोग जो कॉमर्शियल दृष्टिकोण से टाउन हॉल का उपयोग कर रहे हैं उन लोग के लिए ठीक है। आप जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से टाउन हॉल लेते हैं उनसे कुछ भी चार्ज लें, लेकिन जब कार्यक्रम निःशुल्क होता है सांस्कृतिक तो उसका कार्यक्रम का उसका शुल्क भी निःशुल्क होना चाहिए। बिल्कुल, जो इन दिनों टाउन हॉल को लेकर मुहिम चली हुई है कि इतनी ज़्यादा फी 1 से 1.25 लाख रुपया भागलपुर के शहर के आम नागरिक या किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। आप समझिए कि सामंतियों का शासन है पूर्ण रूपेण से, या इसको स्मार्ट सिटी ना कहके आईवास सिटी कहेंगे। पूर्ण रूपेण से ये आँखों की सफाई करके शहर में जैसा चाहते हैं सामंतियों को जैसा थौप देने वाली बात है। इसलिए शहर के हर नागरिक को महापौर के द्वारा उठाए हुए इस कदम में साथ देना चाहिए, और हर इस मुहिम में जितनी भी संस्थाएं शहर की, आम नागरिक को आगे आकर सरकार के जो मुलाजिम उनको लिटिल डाउन कर नीचे झुकने के लिए मजबूर करना चाहिए। और आज हम लोग देवी बाबू धर्मशाला में सभी समाज के लोग उपस्थित हुए और यहाँ पे चर्चा हुई कि टाउन हॉल में जो शुल्क लगाया गया हुआ है, हम लोग जो कार्यक्रम करते थे पहले तो वो शुल्क काफ़ी कम था, और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए ये वो टाउन हॉल बना हुआ था। हम लोग बहुत कम देखने को मिलता था कि राजनीतिक कार्यक्रम होता था वहाँ पे, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम को करवाने के लिए समाज के सभी लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें शुल्क कम होना चाहिए, पहले 25,000 शुल्क लगता था, तो हमें सरकार से ही निवेदन है कि सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है, कोई भी कार्यक्रम अगर अच्छा होना चाहता है तो वहीं पर होने की, क्योंकि और कोई दूसरी वैसी जगह है नहीं। तो वैसी स्थिति में इसका सिर्फ व्यवसायीकरण नहीं हो, एक बहुत नॉमिनल जो पहले फीस लगता था उस अनुसार फीस उसको लगे, और अगर कोई विशुद्ध रूप से उसको व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए ले रहा है तो उसके लिए फिर अधिक शुल्क लिया जाए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो साधारण रंगकर्मी हैं, कोई कला प्रेमी हैं, वो वहाँ पर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। जिला जदयू परिवार की ओर से मकर संक्रांति पर्व के पूर्व जदयू महानगर के पूर्व जिला अध्यक्ष सुड्डू साई ने स्थानीय जगदीशपुर स्थित साई बिहार कॉलोनी परिसर में सभी दलों को एकजुट कर मकर संक्रांति की बधाई दी। साथ ही मौके पर सुड्डू साई द्वारा आयोजित दही चूड़ा गुड़ तिलकुट तिलवा और सब्जी के संयुक्त भोज का लुत्फ उठाया। मौके पर मौजूद राज्यसभा की पूर्व सांसद ककसा परवी ने बिहार के सभी लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। वहीं कार्यक्रम का आयोजक सुड्डू साई ने आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि मकर संक्रांति का पर्व हमें मिल्लत से बरकत का संदेश देता है। उन्होंने खुशी प्रकट करते हुए कहा कि हम एक साथ इंडिया गठबंधन के इस हुजूम को देखकर यकीन हो गया है कि हम अपने मिशन में अभूतपूर्व सफलता हासिल करेंगे। वहीं युवा जदयू के राष्ट्रीय सचिव राकेश ओझा ने कहा कि देश को इसी एकजुटता की जरूरत, और यदि यह एकजुटता 2024 की लोकसभा तक कायम रही तो न केवल देश की राजनीति से भाजपा वारिस का सफाया होगा बल्कि हमारे राष्ट्रीय नेता को देश के प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता।
का मैं सबों को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज सुटू साईं की तरफ से सारे लोगों को, कार्यकर्ताओं को आमंत्रण दिया गया है दही चूड़ा खाने का। इतनी ठंड है, लेकिन ठंड में भी सारे लोगों सुड्डू साईं जी के निमंत्रण को कबूल किया है और सारे कार्यकर्ता यहाँ दही चूड़ा का आनंद ले रहे हैं। और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि सबों के जो 2024 जो साल हमारा है, इन सबों के जीवन में नई खुशियाँ, नई उमंगें बढ़ती हैं। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर पूरे महागठबंधन परिवार को आज सुड्डू साईं जी की तरफ से जगदीशपुर के इस पावन आंगन में जो है कार्यक्रम मकर संक्रांति का आयोजन किया गया है। दही चूड़ा के बहाने ही सामाजिक भाईचारा, एकता, सभी समाज और सभी संप्रदाय, सभी समुदाय के लोग एक जगह आकर के आपस में प्रेम मोहब्बत भाईचारे का परिचय दे रहे हैं। सुख समृद्धि का यह पर्व निश्चित रूप से समाज में जो है भाईचारे का माहौल को पैदा करता है, संदेश देता है। इसी संदेश के तहत आज हम लोग भी उपस्थित हुए हैं। ये इंडिया गठबंधन के तरफ से हम लोग दही चूड़ा का भोज कर रहे हैं। इसमें हम लोग का सभी पार्टी का नेतागण आ रहे हैं और मिलन जुलन करने का एक बड़ा मौका है। 2024 का हम लोग तो तैयार हैं 2024 के लिए, लेकिन अभी जो पार्टी का निर्देश आएगा हम लोग अपने जमीनी स्तर से कार्यकर्ता को मजबूत कर रहे हैं। जीवन जागृति सोसाइटी एवं नेहरू युवा केंद्र के द्वारा भागलपुर के मनाली चौक पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान निकाला गया, जिसमें वैसे लोग जो वाहन चलाते वक्त हेलमेट नहीं पहने थे उनको जीवन जागृति सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा गुलाब फूल भेंट किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहने। इसको लेकर जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि हम लोगों के द्वारा सभी को जागरूक किया जा रहा है कि वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहने, इससे दुर्घटना होने का खतरा कम रहता है। जितना युद्ध में नहीं मरता है, जितना भारत पाकिस्तान युद्ध में नहीं मरा, उससे ज़्यादा मौत जो है सड़क दुर्घटना में होती है और भारत उसमें अग्रणी देशों में से है। सरकार लाख उसमें जुर्माना वसूल रही है, सब ठीक है, उसके चलते भी परिवर्तन होता है, लेकिन जागरूकता का एक अपना ही महत्व है। और ऐसे में आज नेहरू युवा केंद्र और जीवन जागृति सोसाइटी ने मिलकर सड़क सुरक्षा के तहत लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। और हम लोग जो भी दो पहिया वाहन हैं या सीट बेल्ट जो लगाते हैं कार चालक, उनको हम लोग संदेश दे रहे हैं कि आपका जीवन आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण है और देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपके बिना आपका परिवार का क्या हाल होता है, या आप किसी के परिवार में जब कोई बच्चा, कोई बड़ा बिछुड़ता है तो उससे आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में आप हेलमेट को नज़रअंदाज नहीं करें, चाहे आगे बैठे हों या पीछे बैठे हों, हेलमेट जरूर पहने। और कई लोग ये जो बेल्ट होता है ये नहीं लगाते हैं, वो तो दिखावा है सिर्फ, ये इससे भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। मौके गुलाब फूल दिया जा रहा है। हाँ, आज हम लोग इसी मौके पर गुलाब फूल देकर लोगों को धन्यवाद भी दे रहे हैं जिन्होंने पहना है, और जो नहीं पहने हैं उनको भी आगाह कर रहे हैं कि आप पहनिए। रोड सेफ्टी के मामले में 11 से 17 तारीख के बीच में जागरूकता अभियान कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि आज हमारे जीवन जागृति केंद्र की तरफ से डॉक्टर अजय कुमार सिंह सर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और इन्होंने बढ़ चढ़ करके इसमें तो सब जन जन जनता को आगे आकर के जागरूकता फैलानी चाहिए। हम आम जीवन में सारे कार्य करते हैं, लेकिन कहती है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। नित नए दिन ट्रैफिक में लेकर के, स्पीड को लेकर के, ब्रेकर को लेकर के, ट्रिपल लोडिंग को लेकर के अनेकों घटनाएं घटते रहती है। इसमें शायद आदमी को, आम जनता को कुछ सोचने और समझने का मौका मिले, इसीलिए जागरूकता।
22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों को अयोध्या जाने के लिए निमंत्रित करने के लिए 2 जनवरी को बिहार प्रदेश भाजपा कार्यालय से रवाना हुआ लवकुश रथ यात्रा भागलपुर पहुंचा। भागलपुर के जिच्छो में रथ यात्रा का जोरदार स्वागत भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार और वरिष्ठ भाजपा नेता दीपक सिंह ने किया। इस दौरान यात्रा के संवाहक नूतन पटेल ने बताया कि पटना भाजपा कार्यालय से प्रारंभ हुआ लवकुश यात्रा 24 जिलों से होते हुए भागलपुर पहुंचा है। लोगों के बीच मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। लोगों का भरपूर सहयोग और समर्थन लवकुश यात्रा को मिल रहा है। केवल बिहार नहीं पूरे देश के लोगों ने फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को गद्दी पर बिठाने का मन फिर से बना लिया है। हमारे पूर्वज और आदरणीय मतलब जैसे भगवान श्री राम जिनका की स्थापना वहाँ राम मंदिर बनकर तैयार है अयोध्या में और वहाँ स्थापना 22 तारीख को होना है और 22 तारीख के स्थापना के अवसर पर दीपावली जो हम लोग मनाएंगे तो मनाएंगे ही, लेकिन ये जो है नूतन पटेल जी के नेतृत्व में ये संयोजक बनकर और जिस तरह से इन्होंने जो है ये रथ निकलवाया है आदरणीय सम्राट चौधरी जी के झंडा दिखाने पर, ये रथ लेकर आज हमारे क्षेत्र में गोराडीह प्रखंड में और सबौर होते हुए पूरा भागलपुर घूमते हुए जिस तरह से आए हैं, ये समझिए लव कुश को एक तरह से लव कुश रथ लाकर रामचंद्र जी के दोनों पुत्रों का ये सांकेतिक इशारा किया है। अभी तो रामचंद्र जी उनके दोनों पुत्र अभी जो भी भगवान हैं। आज बहुत ही सुखद क्षण है जब हम अपने भव्य दिव्य मंदिर में प्रभु राम लला विराजमान होने जा रहे हैं 22 जनवरी को। भगवान राम के पुत्र लव और कुश वह भागलपुर पर आज आमंत्रण करने के लिए आए हैं। उसके संवाहक के रूप में श्री नूतन पटेल जी जिस यात्रा के संयोजक हैं वो आज मेरे साथ हैं। दीपक सिंह जी जिनके परिसर में हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर श्रीकांत कुशवाहा जी हैं, विनोद सिन्हा जी हैं, उधर दीपक वर्मा जी हैं, आलोक बंकू जी हैं, सतीश जी हैं, ये सारे लोग ये यात्रा को यहाँ भागलपुर में और पटना से चलकर यात्रा रात में कंझिया नाथनगर रुकी थी, अभी भागलपुर भ्रमण करते हुए आपके जीचो स्थान पर इस स्थान पर पहुँची है और पूरे यात्रा को विस्तार वृतांत बताने के लिए हम कहना चाहें। भीषण ठंड को देखते हुए भागलपुर की राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी उर्दू बाजार में AIG एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें लगभग 200 ऐसे लोगों को कंबल का वितरण किया गया जो लोग कंबल खरीदने से वंचित रह जाते हैं और ठंड की चपेट में आ जाते हैं। इसको लेकर भागलपुर जदयू के मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती ने कहा कि AG एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीनाथ जी ने बहुत ही नेक काम किया है, ऐसे ट्रस्ट धन्यवाद के पात्र है। मौके पर स्थानीय राजू यादव, आत्माराम यादव, अभिजीत यादव सहित कई लोग मौके पर मौजूद थे। ठंड के देखते हुए आज ये कंबल वितरण कार्यक्रम किया गया था ताकि गरीब लोगों के गांव को जो ठंड से बचने में थोड़ा सा कुछ मदद मिल सके, ऐसे एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से ये कार्यक्रम किया गया था। कितने और कंबल वितरण किया गया? आज 100 कंबल का वितरण किया गया और पूरे शहर में बांध घूम घूम के भी कंबल वितरण किया जा रहा है और आज स्पेशली ठाकुरबाड़ी मंदिर प्रांगण में कैंप लगा के कंबल वितरण किया गया है। आज AIC एजुकेशनल ट्रस्ट के सम्मानित अध्यक्ष श्रीनाथ कुमार जी के सौजन्य से राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी के प्रांगण में कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सर्वप्रथम मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि इस तरह के कार्यों के प्रति उनका जो रुचि है ये बड़ा ही सराहनीय है। आज वर्तमान समय में भौतिकवादी व्यवस्था में लोग जो युवा पीढ़ी हैं वो दूसरी तरफ अपने आप को अग्रसर किए हुए हैं और उसके बावजूद अध्यक्ष जी के मन में इस तरह की बातें आई, इस तरह का सोच है इनका, इसके लिए इनके मैं पूरी इनका खुशी जाहिर करता हूं, प्रशंसा करता हूं। साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे समाज के ही समाजसेवी राजू यादव जी और इस प्रांगण के जो पूरे व्यवस्था को देखते हैं आत्माराम यादव जी, अभिजीत यादव जी, राजू लाल यादव जी, साथ ही साथ हमारे गोविंद जी, अरुण जी, इन लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम आज हुआ है और मैं अधिक आभार व्यक्त करता हूं अध्यक्ष जी का। आज का ही दिन जो चुना गया है चूँकि आज हमारे पूर्व स्वतंत्र
भागलपुर के नगोछिया के एक कॉलेज की छात्राओं का भोजपुरी गाने पर डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भोजपुरी गाने पर छात्राएं जमकर डांस कर रही है। बताया जा रहा है ये वीडियो नगोछिया के मदन अहिल्या महिला कॉलेज का है, जहां शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसी क्रम में छात्राओं के द्वारा भोजपुरी गाना पगली दिखावे अगरबत्ती बजाया गया, जिसके बाद वहां मौजूद सभी छात्राएं भोजपुरी के अश्लील गाने पर जमकर डांस करने लगी। वहीं तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो की लोग आलोचना कर रहे हैं।